हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूड सेवन। आज की रेसिपी है इंस्टेंट मिर्ची का अचार। अगर आपको तीखा खाना पसंद है तो यह रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। यह अचार इंस्टेंट बन जाते हैं और इसे आप महीने भर खा सकते हैं। इस अचार में डलने वाले सारे सामान आपके घर में इजीली अवेलेबल रहते हैं। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो तेल अचार में डालने वाले हैं उसकी तैयारी कर लेते हैं। एक तड़का पैन में आधा कप सरसों का तेल डाल देंगे। तेल गरम होते ही उसमें हींग डाल देंगे। अगर इस तरीके से तेल अचार में डालेंगे तो अचार को धूप दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जैसा कि ये इंस्टेंट अचार है तो ये फटाफट बनकर रेडी हो जाएगा। हींग को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस को बंद कर देंगे और अब तेल को ठंडा होने देंगे। 300 ग्राम मिर्च ले लेंगे। मैंने यहाँ मिर्च की सारी डंडियाँ निकाल दी हैं और इसे अच्छे से धोकर कपड़े से सुखा लिया है। अब इन मिर्च को ग्राइंडर जार में डालेंगे। इसे दरदरा पीस लेंगे। सिर्फ 3 से 4 सेकंड चलाना है। ये देखिए मिर्च के छोटे टुकड़े हो गए हैं। अब एक पैन में 4 चम्मच पचफूरन को रोस्ट करेंगे। इसे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भूनना है। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब इसे ठंडा कर लेंगे और पीस लेंगे। पचफोरन पीस लिया है, अब इसे एक बोल में निकाल लेंगे। इसके बाद 3 टेबलस्पून सरसों ले लेंगे, इसे भी अच्छे से पीस लेंगे। सरसों के पाउडर को भी इसमें मिला देंगे। अब इसमें 3 इंच अदरक के टुकड़े को क्रश करके डाल देंगे। आप चाहें तो अदरक को कद्दूकस भी कर सकते हैं। अब इसमें 2 से 3 लहसुन की पत्तियां चॉप करके डाल देंगे। अगर आपके पास लहसुन की पत्तियां नहीं हैं तो आप 4 से 5 लहसुन की कलियां भी डाल सकते हैं। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें दरदरी पीसी हुई मिर्च डाल देंगे। 2 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखनी है, जितना आप रेगुलर डालते हैं। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हींग के तड़के वाला तेल डाल देंगे। ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तेल को सारे मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस अचार को आप लंबा रखना चाहते हैं तो इसमें 1 चम्मच विनेगर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ विनेगर नहीं ऐड किया है, उससे स्मेल थोड़ी चेंज हो जाती है। मिर्च के अचार को एयरटाइट कंटेनर में रखें और इसे हफ्ते में 1 से 2 बार चलाते रहें। क्योंकि इसमें कम ऑयल यूज़ हुआ है तो जो ऑयल है वो नीचे बैठ जाएगा। अगर इसे अच्छे से 1 से 2 बार चला देंगी तो ऑयल वापस से अचार में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। मिर्च का अचार बिल्कुल रेडी है। इसे आप महीने भर खा सकते हैं। हरे मिर्च के अचार को झटपट बनाएं और इसका लुत्फ उठाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।